बढ़िया लग रही मतलब जे हमाई जनियो हम इनके जना ठीक है जना रही है हस्बैंड जे हमाई पत्नी और हम इनके पतेला हस्बैंड को हस्बैंड हस्बैंड हमें नहीं जमत बो ना नहीं जमत काई नहीं जमत तुम हमाई बेवा हम तुम्हारा बो घर बाओ हम इनकी तारीफ करन चाह रहे अबे तक कोनो घरवाई ने अपनी घरवाई की तारीफ नहीं करी हुई लेकिन आज हम ई मंच से रानी की तारीफ कर रहे हैं तुम भी पहली बार कर रहे ये हुए करी नहीं तारीफ पहली बार कर रहे तुम अबे तक तो बुरा नहीं कहता है तुम कि कितनी प्यारी मिली दुलैया बारी हमारी किस्मत हे भगवान ऐसी लोग आई सब खो दियो खो लगाई तुम्हारी किस्मत कि कितनी प्यारी मिली दुलैया अरे भारी गोरी नारी हम कह इंडिया में ठाणो कर दो तो बल्ब सो हो जा जा हा हा राम भाई फूकना जैसी ये धरी कि कितनी प्यारी मिली दुलैया अरे भारी गोरी नारी अरे मोरी तो तकदीर बदल गई जब से मिली घरवारी जब संजय मिल गई अरे मोरी तो तकदीर बदल गई जब घर हो गए तुमसे बियाव करा के उत्तम भाई साहब हम तर गए उद्धार होगा हमारा रानी हमें मिल गई रानी अब तुम्हें स्वर्ग में मिले जगह अरे जब से घरे पधारी आप अरे जब से घरे पधारी आप आपके चरणन को परताप अरे जब से घरे पधारी आप आपके चरणन को प्रताप छूटे दोई मताई बात अच्छा हम आए जब से जो तुम्हारे चरणन को प्रताप या हमने छोड़वा दे अरे जब से घरे पधारी आप आपके चरणन को प्रताप छूटे दोई मताई बाप तुम्हारी कृपा से रानी तुम्हारी कृपा से अरे पांव के परतन भाव परिवर्तन के पांव के परतन भाव परिवर्तन अरे रोटी बन रही न्यारी
काम तो हमें से कहता है हमारी लुगाई नहीं पहलो काम का सकाओ मोड़ाई मोड़ा खोसो साओ और कहते को घर वाली रखने तो काम तो करने पड़े हमने पहलो काम तो वही सीख लिया के मोड़ाई मोड़ा खोसो साओ कत के झाड़ू तुम्हें लगाओ बासन मांझ के झट ले आओ हम बर्तन मांझ वो सीख गए जब से लुगाई मिली अब वैसे कहा था जो न जाना तो क्यों हाँ बिला से कह दे तुमने काम सही क्या कह रहे अरे मोड़ाई मोड़ा खोसो साओ घर में झाड़ू तुम्हें लगाओ बासन मांझ के झट ले आओ एक आदत पड़ गई रानी की वजह से हमें अरे आदत पड़ गई मोखो भैया आदत पड़ गई मोखो भैया का पड़ गई भुंसाए से सुन बेकारी भुंसाए से बिल्कुल जी हमारे ठटरी कंडा जुड़ गया लकड़ गया बांधता ही रहती हम तो आदत नहीं आ गए अगर हम नहीं देना तो तुम बिगाड़ जो बहुत बड़ा है नहीं, अगर तुम दे नहीं तो बस तुम्हें बिगाड़ सही है कैसे दे तुम्हें हाँ काय की आदत पड़ गई मोखो भैया हो आदत पड़ गई मोखो भैया देवे रोजगारी मोरी तो तकदीर बदल गई भारी बिगरेल ये बिगरेल मगले लिखाई हो रही ना फेंक दे तुम्हें मंच से ले जाए अरे मुख मिली भारी बिगरेल तुम से साजे हैं के उ जगह की देखी गेल प्रोग्राम करवे जाओ सो गेल तो देखी है और इनके अंगाई चूड़ेलन फेर तुम्हें हार कछु जब पूछ लो तो अच्छा लगा दो जाने से फेल है बा जा कहो कि तुम्हें अगर सुनाओ तो कपड़ा उतार दो जो चश्मा निकाल दे तो डरा जे आदमी तुम्हें देख के नहीं डरे कहो हम उन को नहीं देख के डरे हम जाए करे चूड़े लन से तुम अच्छी लगती सही है कह रहे के मुखो बद गई है बगैर इने केऊ देखी गे ई के अंगाई तो माया गाई है हाड़ हाड़ के खाद मास तो है नहीं एक जगह मासई मास है कहते हैं हमारे शरीर में एक जगह ऐसी है जितने मासई मास है का बताओ जीभ जीभ जो ये में तो मासई मास है हाड़ कहते हैं ये तो नन्हे और सुनो के ऐसी लुगाई को न पावे हो ऐसी लुगाई को न पावे ये अंदरूनी बीमारी कौन सी बीमारी क्या है बीमारी तब तो मैं है सुखी को रोगे लगा मैंने सुखी को कब होना चेता जब भी आप लिखियो आप लोग ऐसे ही देखो इन्हें सुखो सुखाओ के ऐसी लुगाई को न पावे ऐसी लुगाई को न पावे को अंदरूनी बीमारी हमें तो बीमारी को नाम बताओ कौन सी बीमारी आप लोगों को दिखा रहे कम बीमार खाए हैं ऐसे सारे खाए पीके से लग रहे हरे भरे सुनो हाँ। जी को इलाज हो तो मुफ्त रोग को कई जात तुम हार का छु बा बीमारी तुम्हें यह है तुम्हें इलाज का अच्छे से हाँ? सही है कह रहे के ऐसी लुगाई को न पावे को अंदरूनी बीमारी
मोरी तो तकदीर बदल गई सब लेकिन सुनो देखो तुम्हारी तो किस्मत खुल गई हमारे तुम्हारे संगे ब्याह हुआ उसको।